गुड मॉर्निंग क्लास मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम शुरू करेंगे वो अपना शुरू करेंगे मिश्रण। और मिश्रण मैं आपको पूरा बनाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और मैं इसकी कम से कम 4 या 5 क्लास लूँगा। आप 4-5 क्लास पूरी करने के बाद कोई से भी आपका एग्ज़ाम हो, कोई सी भी लेवल का हो, चाहे CGL प्री हो, CPO हो, CHSL हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, UP का कोई एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, बच के आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इसको पूरी 4 या 5 क्लास इसकी पढ़ना। आज मैं आपको इसमें पहला टाइप लूँगा जिसका नाम है एलिगेशन। क्या चीज़ होती है भाई, आपको मैं पढ़ाऊँगा आप एलिगेशन। एलिगेशन, अब पहले इसकी कुछ शर्तें हैं। मैं भाई पहले एक बात आपको बता देता हूँ, एलिगेशन जो है ना कोई चैप्टर नहीं है कि मेथड है। और ये मेथड गणित के कम से कम 10 से 12 चैप्टरों में लगता है। जैसे कि आपका लाभ हानि हुआ उसमें भी एलिगेशन लगेगा, आपकी चाल समझ हुई एलिगेशन लगेगा, नंबर सिस्टम में एलिगेशन लगेगा, आयु संबंध में एलिगेशन लगेगा, और आपका साधारण ब्याज हो एलिगेशन लगेगा। मतलब बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एलिगेशन लगेगा। तो आपको ये सीखना है कि एलिगेशन चीज़ क्या है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ एलिगेशन चीज़ क्या है, उसके बाद हम आपको आगे चलेंगे, ठीक है ना। सुनो मेरे भाई सुनो, एलिगेशन 2 मिनट की बात है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, मैं सही बता रहा हूँ आपको, 2 नंबर आपकी इस क्लास के पक्के हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी है, 2 नंबर चीज, एक क्लास में 2 नंबर पक्के हैं। बस आपको समझ ना ध्यान से, पहली एलिगेशन की सुनो है क्या। दरअसल इसमें होता क्या है, पहले तो इसकी पहचान सुनो क्या है। जहां आपको दो अलग अलग वस्तु हो, दो अलग अलग वस्तु हो और तीसरी वस्तु इन दोनों को मिलाकर दी हो तो समझ जाओ हुआ एलिगेशन लगेगा। दुनिया को एलिगेशन लगाना तो आता, लेकिन एलिगेशन लगेगा कहाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिगेशन से होगा, उसकी पहचान बता रहा हूँ आपको। पहचान ये है, जहां पर कोई दो वस्तु मतलब कोई सी भी दो बात अलग अलग हो और तीसरी बात इन्हें मिलाकर हो, तो वहां एलिगेशन लगेगा। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा, पहले बात दोबारा सुनो। जहां कोई दो वस्तु अलग अलग हो और तीसरी वस्तु इन्हें मिलाकर हो, तो वहां क्या लगता, एलिगेशन लगता। दूसरी बात सुनो, एलिगेशन से क्या निकल के आता, निकल कर जो आएगा या तो अनुपात निकल के आएगा। एलिगेशन से क्या निकल के आएगा, अनुपात किस चीज का, या तो निकल के आएगा संख्या का अनुपात, या किस चीज का निकल के आएगा, मात्रा का। अभी मैंने आपको इसके बारे में सिर्फ 2 बातें बताई, अभी 2 बातें वो बाद में बताऊंगा, पहले 2 बातें सुनो। एलिगेशन लगता कहां पे है, जहां पे कोई 2 वस्तु अलग अलग हो और तीसरी बात इन दोनों को मिलाकर दी गई, वहां लगेगा एलिगेशन। एलिगेशन से होगा क्या, एलिगेशन से भाईजान अनुपात निकलेगा, वो भी किस चीज का है, तो संख्या का या मात्रा का। अब क्वेश्चन करते हैं जरा कैसे होगा, बात को सुनो जरा अभी ध्यान से, ठीक है। अभी इसको देखेंगे हम, पहले एक क्वेश्चन जो मैं आपको करूंगा पहले वो देखेंगे आप। देखो भाई, अभी जो मैंने आपको बताया पहले वो सुनो। इसने क्वेश्चन ये है कि एक 12 रुपए किलोग्राम की वस्तु और एक 18 रुपए किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मूल्य जो है कितना हो जाए 15। अब बात सुनना, मैंने ये कहा जहां पर कोई 2 वस्तु अलग हो और तीसरी वस्तु इन्हें मिलाकर हो, तो ये बताओ एक 12 वाला चावल कोई अलग हो गया, एक 18 वाला चावल कोई अलग हो गया, और एक इनको मिलाकर 15 वाला हो गया, तो यहां एलिगेशन लगेगा। देखो कैसे, पहला चावल मेरे पास कितना है 12 रुपए पर केजी वाला, और दूसरा चावल मेरे पास कितना है भाई 18 रुपए पर केजी वाला, और इनको इसको मिलाकर उसका रेट कितना बनाना है 15 रुपए पर केजी। इसका मतलब यहां एलिगेशन लगेगा, जो इन दोनों का मिश्रण होता है वो बीच में आता, तो इसका डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, क्या लेते हैं अंतर। तो आप इसका अंतर लेंगे कितना आएगा 3, और इसका अंतर लेंगे तो भाईजान कितना आएगा 3। इसका मतलब यह हुआ कि इन वस्तुओं को हमें जो मिलाना है वो किस अनुपात में मिलाना है, 1:1 में मिलाना है। मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 किलो चावल ये लेते हो और 1 किलो चावल ये लेते हो और उसको मिलाकर आप 30 के भाव से बेचोगे तो दोनों का रेट बराबर आएगा। देखो कैसे, अगर मान लो मैंने 1 किलो लिया तो 12 रुपए का हो गया, फिर 1 किलो लिया कितने रुपए हो गया 18 का, तो मिला के कितने रुपए हो गया 30 रुपए हो गए, ठीक है। अभी चावल मेरे पास कितना हो गया, कुल 2 किलो हो गया, मैंने उसको मिला के कितना बेचा 15 के भाव से, जब 1 किलो 15 का तो 2 किलो कितना का 30 का। देखो जब मैंने इनको बराबर मात्रा में लिया दोनों रेट बराबर रहे। दोबारा सुनो मैंने क्या बताया, सिंपल सी बात दोबारा सुनो मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल ये बोला एलिगेशन कहां लगाते हैं, जहां कोई 2 वस्तु अलग अलग हो और तीसरी वस्तु इन्हें मिला के हो, तो ये 2 वस्तु अलग अलग है और तीसरी वस्तु इसे मिला के है, सिंपल एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन कैसे लगेगा, पहली वस्तु एक साइड, दूसरी वस्तु दूसरी साइड, और इन दोनों का मिश्रण बीच में, इसका अंतर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी बात समझ में आई होगी, और नहीं आई होगी तो अभी आपको समझ में आएगी। बात सुनो दोबारा, आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पहले, एक और देखो ऐसे ही, ठीक है मेरे भाई, एक और देखो। इसने बोला है एक 25 रुपए पर केजी और एक 20 रुपए पर केजी, एक 25 रुपए किलोग्राम और एक 20 रुपए किलोग्राम,
की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए जिससे कि मिश्रण जो है वो कितना हो जाए, 22 हो जाए, जिससे मिश्रण कितना हो जाए, 22। दोबारा सुनो क्या कहा, दो वस्तुएं यहां पर भी, एक मेरे पास 25 वाली है, एक मेरे पास 20 वाली है, इन दोनों को मिलाकर बेचना 22 के भाव से। तो मेरे भाई सुन लेंगे ध्यान से, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यहां एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा, एक वस्तु भाई अलग रेट की है, कोई दूसरी वस्तु अलग रेट की है, और आपको इन दोनों का रेट मिला के कितना दिया, 22 दिया। यार जिंदा पहचान चल रही मेरे दोस्तों, पहली वाली वस्तु कितने की रेट की भाई, 25 वाली, और दूसरी वाली वस्तु कितने की रेट की मेरे भाई, 20 वाली। इन दोनों को मिलाकर कितने का है, इन दोनों को मिलाकर रेट कितना है, इन दोनों को मिलाकर पहली दूसरी का रेट कितना है भाई, 22 वाला। इसका इसका डिफरेंस कितना गया, 2। इसका इसका डिफरेंस कितना गया, 3। गेम इज ओवर, खत्म, आंसर आ गया। इसका यह अर्थ बना कि पहले वाली वस्तु आपको 2 किलो लेनी पड़ेगी और दूसरी वाली वस्तु आपको 3 किलो लेनी पड़ेगी अगर आप फिर इसको मिलाकर 22 के भाव से बेचोगे तो दोनों का मूल्य क्या आगा, बराबर आगा। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। अभी मैंने आपको एलिगेशन के 2 स्टेप बताए, अब आगे चलते हैं। अब सुनो भाई जरा ध्यान से, अब मेरे भाई दोबारा ध्यान से सुनो, अब बहुत प्यारी बात बताता हूं आपको। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है अब आप सुनी होने का, या देखो क्या है 1, देखो एक मिनट, इसमें आपको 1 में यह बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में यह बोला गया है कि एक 10 वाला 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल और एक 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचें जिससे कि मेरे को 20% का लाभ हो। अब यहां अलग बात क्या है सुनना भाई, पहले वाले क्वेश्चनों में आपको ना लाभ का बताया था कुछ, ना हानि बताई थी, सिंपली बोला था भाई इतने रुपए वाला है एक चावल, एक इतने वाला है, दोनों मिला के इतने के भाव से बेच दो, आंसर बताओ। जबकि इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मेरे पास 10 रुपए वाला चावल है, एक मेरे पास 16 वाला चावल है, इन दोनों को मिला के 18 के भाव से बेचा है और आपको 20 का लाभ हो गया। तो अब यहां एलिगेशन तो लगेगा लेकिन इन नंबरों पर नहीं लगेगा। बड़ी बात सुनो दोबारा ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, देखो भाई सुनो, पहली बात ये बताई मैंने आपको कि एलिगेशन कहां लगता है, यहां पे कोई 2 वस्तु अलग अलग हो, तीसरी वस्तु नहीं मिला के हो, एलिगेशन से क्या निकलता है, एलिगेशन से निकलता है एक तो संख्या निकलती है, एक मात्रा निकलती है। अब तीसरी बात सुनेंगे भाई, तीसरी बात इंपॉर्टेंट सुनो, जो हम बीच में लिख रहे थे ना भाई, सुन लो भाई इंपॉर्टेंट बात, बीच की संख्या जो हमने बीच में लिखी थी वो एक से बड़ी तथा दूसरी से छोटी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या वो एक संख्या से बड़ी और एक संख्या से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, चौथी बात, इसका गेम की ओवर हो जाएगा सिर्फ, चौथी बात सुनो भाई, तीनों वस्तु एक ही प्रकार की, तीनों वस्तु एक ही प्रकार की होनी चाहिए। इसका मतलब सुनो भाई जरा, तीनों वस्तु एक ही प्रकार की होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये था, जरा मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, बात सुनो, जैसे ये 10 रुपए के भाव वाला चावल है, ये 16 वाले भाव वाला चावल है, और इन्हें मिलाकर आपने कितने के भाव से बेचा, 18 के भाव से। तो देखो यहाँ एलिगेशन, पहला का रेट 10 दिया है, दूसरे वाला का रेट 16 दिया है, और इन दोनों का मिला के कितना दिया है, पहले और दूसरे का रेट मिला के कितना दिया भाई, 18। ये बात यहाँ फेल हो गई। मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 बताया, एलिगेशन जब ही लगेगा जब बीच वाला नंबर एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो, जबकि ये बीच का नंबर दोनों से ही क्या है, बड़ा है, तो इन नंबरों पर एलिगेशन नहीं लगेगा। चौथी वाली बात भी फेल हो गई। क्या बताई मैंने चौथी बात, ये तीनों नंबर एक से होने चाहिए। मतलब क्या है सुन लो जरा, अगर ये क्रय मूल्य होगा तो ये भी क्रय मूल्य होगा, फिर ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए। जबकि 18 रुपए जो है ना, 18 रुपए आपका क्रय मूल्य नहीं है, आपने 18 के भाव से इसे बेचा है, और बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्री मूल्य। तो मेरी बात दोबारा सुनो, मैंने क्या बताया दोबारा सुनो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, जो ये 3 नंबर की बात चल रही है ना, ये तीनों नंबर एक से होने चाहिए। एक से का मतलब या तो तीनों परसेंटेज में हो, या तीनों रुपए में हो, या तीनों क्रय मूल्य हो, या तीनों विक्री मूल्य हो। ऐसा नहीं कि 2 क्रय मूल्य और 1 विक्री मूल्य हो, या ऐसा नहीं होगा। जबकि यहाँ क्या हुआ, ये दोनों तो क्रय मूल्य है, जबकि आपका 18 जो है, 18 वो क्या है, विक्री मूल्य है। तो मेरी बात समझ रहे होंगे, ये तो आपको समझ में आ रहा सर, यहाँ एलिगेशन तो लगेगा लेकिन इन नंबरों पर नहीं लगेगा। तो सर अब कैसे होगा, सुनो ध्यान से मेरे भाई, अब बहुत ध्यान से बात सुननी है दोस्त, ठीक है, तवज्जो फरमाओ मेरी बात पे जरा दोबारा, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। देखो सिंपल, पहले वाले का जो रेट है, पहले वाले का क्रय मूल्य कितना दिया आपको, पहले वाले का क्रय मूल्य दिया है 10 रुपए। दूसरे वाले का जो क्रय मूल्य दिया है, दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना दिया आपको, 16 रुपए। पहले का क्रय मूल्य ये, दूसरे का क्रय मूल्य ये, बीच में नंबर आता था पहला वाला और दूसरा वाला मिला के, पहला दूसरा मिला के कितना, 18। लेकिन आप समझ गए 18 बीच में नहीं आने का,
इसकी वजह यह है कि यह नंबर एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए, लेकिन 18 एक से तो बड़ा है और दूसरे से भी बड़ा है, जबकि होना चाहिए था एक से बड़ा और एक से छोटा। तो अब सुनो, बीच में 18 नहीं आएगा, अब क्या आएगा? सुनो, बीच में आएगा क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी आना चाहिए, अब क्रय मूल्य आना चाहिए। तो सर क्रय मूल्य तो देने रखा, तो क्रय मूल्य निकाल लो। कैसे निकालेंगे यहाँ ध्यान दो, आप क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करो, अपनी मर्जी से क्रय मूल्य कितना माना, 100 माना मैंने अपनी मर्जी से। बुक ने बोला आपको लाभ कितना हुआ, लाभ 20 का। अब आप बताओ, अगर 100 रुपये के सामान पर आपको लाभ होगा 20% का, तो 120 का आप सामान बेचोगे, बेचने का मतलब हो गया विक्री मूल्य 120 है। जबकि बुक वाले ने बोला है कि विक्री मूल्य जो है, विक्री मूल्य वो कितना है, 18 रुपये। विक्री मूल्य जो है वो कितना है, 18 रुपये। तो मेरे हिसाब से विक्री मूल्य 120 और बुक के हिसाब से 18 रुपये, ठीक है। तो एक बराबर मेरे पास कितना आ गया, 18/120। मेरे को क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य कितना है, 100 का मान निकालने के लिए मैंने यहाँ भी गुणा 100 से कर दी और मैंने यहाँ भी गुणा 100 से कर दी। 20 पंजे और 20 छंग और 6 से काटा 3 बार और गुणा करिए तो 15। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्रय मूल्य आया वो कितना है, 15। तो बीच में जो आना है वो 15 आना है, ना कि 18। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। उसके बाद इसका डिफरेंस कितना आया भाई, 1 आया। इसका डिफरेंस कितना आया मेरे भाई, 5 आया। ये हमारा क्या है, आंसर है। देखो मैंने कहा था बीच का नंबर एक से तो बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए। तो एलिगेशन के 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, जहां पे कोई 2 वस्तु अलग अलग हो, तीसरी वस्तु इन्हें मिला के हो, एलिगेशन लगेगा। फिर एलिगेशन से क्या निकलता है, एलिगेशन से निकलता है अनुपात या संख्या, मतलब अनुपात में निकलती है मात्रा या संख्या। तीसरा पॉइंट एलिगेशन ये बोलता है कि बीच का नंबर पहले से बड़ा और दूसरे छोटा, मतलब किसी से भी बड़ा किसी से भी छोटा हो। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि एलिगेशन में तीनों नंबर क्या होने चाहिए, एक से होने चाहिए, या तो तीनों ही क्रय मूल्य हो या तीनों ही विक्रय मूल्य हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। अब एक बात और, जैसे मान लो आपको क्रय मूल्य निकालना, आप क्रय मूल्य इससे निकालना नहीं चाहते, तो क्रय मूल्य निकालना एक दूसरा तरीका और सुन लो, यही समझ लो। देखो सुनो, आपको 20 का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 20% को मैं बोल सकता हूँ क्या, 1/5। इसका मतलब हो गया 5 के ऊपर 1 का लाभ, इसका मतलब सामान आपका बिका 6 रुपये का, जबकि बुक ने बोला सामान आपका कितने का बिका भाई, 18 का। तो 6/18 कटवारा 1/3, ठीक है। मुझे निकालना क्रय मूल्य, नीचे लिखा होता क्रय मूल्य 5 है, तो 5 के लिए 5 से यहाँ गुणा होगी और 5 से यहाँ होगी, तो कितना आएगा, 5/15। देखो अब भी यहाँ 15, तो क्रय मूल्य या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, मेरा काम आपको सिखाने का, बाकी आपकी मर्जी। देखो इसका क्वेश्चन एक और करते हैं, सेम क्वेश्चन एक और है, जिससे आपको बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो भाई, बहुत प्यार से मेरी बात सुनो। आपसे बोला है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और एक 30 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 वस्तु है और इसको मिलाकर 21 के भाव से बेची गई, तो 25 की हानि हुई। अब कैसे 25 की हानि, सबसे पहली बात आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यहां एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। सर बिल्कुल जिंदा एलिगेशन लगेगा। वजह क्या है, पहचान, मैंने आपको बताया जहां पे कोई दो वस्तु हो और तीसरी वस्तु इसे मिला के हो, वहां एलिगेशन लगता है, सही है मेरे दोस्त। फिर मैंने आपको बताया, अब एलिगेशन की शर्त यह है कि भैया एक नंबर जो बीच का नंबर है वो एक से बड़ा एक से छोटा हो। यहां पे ये वाली बात नहीं लग रही, ध्यान दो क्या बता रहा हूं आपको, दोबारा ध्यान दो भाई सब। पहली वाली वस्तु का जो रेट है, पहली वस्तु का रेट कितना है, 25 किलो मूल्य। दूसरी वाली वस्तु का जो रेट है, किलो मूल्य, वो कितना है दूसरी वाली वस्तु का, 30। पहली वाली और दूसरी वाली मिलाकर आपने बेची कितने के भाव से, 21 के भाव से बेची, ये विक्री मूल्य। तो दो बातें फेल हो गई, एक बात ये थी कि बीच का नंबर जो है वो एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो, जबकि यहां ये दोनों से छोटा है। और एक बात यह थी कि तीनों जगह एक सा आना चाहिए, ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, लेकिन ये क्या है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब सर एलिगेशन तो लगेगा लेकिन इन नंबरों पे नहीं लगेगा। तो सर किस पे लगेगा, अब ध्यान दो कैसे करेंगे इसको, बात सुनो भाई जरा सब लोग। अब मेरा भाई अभी मैंने आपको सिखाया क्या करेंगे, मैं क्रय मूल्य कितना मानूंगा अपनी मर्जी से, पहले 100 मानूंगा। अब आपसे बोला है 25 की हुई हानि, अब 100 रुपए के सामान पर अगर आपको 25 की हानि हो जाए तो 25 रुपए कम करोगे, इसका मतलब कितने का बेचोगे, 75 का बेचोगे। तो मैंने सामान 75 का बेचा, 100 का सामान 75 का बेचा मिलाकर, जबकि बुक ने बोला कि आपने मिलाकर कितने का बेचा, 21 का बेचा। इसलिए मेरा 75 बराबर किसके हो गया, 21 के, विक्री मूल्य बराबर विक्री मूल्य। तो मेरा 1 बराबर किसका आ गया भाई, 21/75 के, सही है मेरे भाई, 1 बराबर किसका आ गया, 21/75। मुझे निकालना क्रय मूल्य मेरा 100 था, तो मैं गुणा किससे करूंगा, 100 से यहां और 100 से यहां। पहले 25 से काटूंगा, 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से काटूंगा 7 बार 7 चौक कितना हो गया, 28। इसका मतलब मेरे भाई मेरे पास जो क्रय मूल्य आया वो कितना है, 28। इसका मतलब बीच में जो है क्या हुआ, 28 आपका क्या है, क्रय मूल्य। अब जरा देखो क्या एलिगेशन की चारों बातें हैं लग रही हैं, बिल्कुल सर लग रही हैं। बीच का नंबर एक से बड़ा एक से छोटा आ रहा है, बिल्कुल सेट है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तीनों नंबर एक से हैं, एक से हैं यार, और क्या चाहोगे भाई। मुझे उम्मीद है कि बात बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, अगर कम समझ में आई होगी तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना। अब आप इसका क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, इसका अंतर कितना आ गया, 2। इसका अंतर कितना आ गया भाई, 3। इसका मतलब जो आपको वस्तु मिलानी है वो किस अनुपात में मिलानी है, वो 2:3 के अनुपात में मिलानी है।
मेरे भाई उम्मीद करूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से। क्या बताया मैंने, दोबारा सुनो। मैंने ये कहा एलिगेशन कहाँ लगता है, जहाँ पे कोई दो वस्तु अलग अलग हो और तीसरी वस्तु इसे मिला के हो वहाँ लगता है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन की फिर मैंने बोला था एलिगेशन से निकलता क्या है, एलिगेशन से या तो संख्या निकलेगी या अनुपात निकलेगा। फिर तीसरी बात मैंने बोली बीच का नंबर एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। फिर चौथी बात मैंने बोली कि तीनों जगह एक सा होना चाहिए, बोले तो या तो तीनों परसेंटेज में हो या तीनों क्रय मूल्य हो या तीनों विक्रय मूल्य हो। ठीक है, एलिगेशन सिर्फ मिश्रण में नहीं कम से कम 10 टॉपिकों में लगेगा। अगर आप ये अब सीख गए तो कम से कम बहुत बड़े बड़े हैवी हैवी क्वेश्चन मार चुटकी में हो जाएंगे, अगर आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है भाई, जरा थ्री मैंने कराई दिया आपको, फोर मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। ठीक है भैया, अब जरा देखो फाइव क्या है। ये मुझसे बोला फाइव में, अब तो चुटकी हुआ गेम है। फाइव में बोला एक इतने रुपए वाला चावल और इतने रुपए वाले चावल को किस अनुपात में मिलाऊं जिससे कि रेट क्या हो गया 6.5। तो सिंपल सी बात है, एक मेरे पास कितने वाला है 6.2 का है, एक मेरे पास कितना है 7.2 का है। ये पहला चावल है, ये दूसरा चावल है, और इन दोनों को मिला के मिश्रण कितने का बनना है 6.5 का। सबसे पहली बात देखो आप जरा, जो मैंने आपको बताई ये नंबर इन दोनों के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल है। ये भी आपको यहाँ क्रय मूल्य है, ये भी आपका यहाँ क्रय मूल्य है, और ये भी आपका यहाँ क्रय मूल्य है। बोलो भैया हाँ या ना, बिल्कुल है, सही है भैया। अब यहाँ लगेगा एलिगेशन। मैंने आपको बताया एलिगेशन कैसे लगाते हैं, अंतर लेते हैं। जब आप इसका इसका अंतर लोगे तो यहाँ अंतर आएगा 0.7। अंतर कितना आएगा मेरे भाई 0.7। इसका इसका अंतर लोगे आप अंतर, तो यहाँ जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 0.3। ये आपका आ गया अनुपात। इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो हमारे पास आया 7:3। ये मेरा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ बहुत सेठ बात समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, ये पूरा पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल है ना, नोट्स बनाते रहेंगे आप। आगे की ओर चल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो भाई जरा, सिक्स मेरे से ये बोला है इसने कि एक हमारे पास व्यापारी 15 रुपये किलोग्राम वाला और एक 20 रुपये किलोग्राम वाला भाव की दो चाय को किस अनुपात में मिलाए जिससे कि मिश्रण जो हो जाए वो 16.5 हो जाए। बहुत आराम से आपको भी समझ में आ गया होगा, सर पहले वाले का रेट 15 है, दूसरे वाले का रेट सर 20 है, पहले वाले और दूसरे वाले को मिला के सर रेट कितना है 16.5 है। सेट, इसका इसका डिफरेंस लोगे आप कितना आगा 3.5 आगा, इसका इसका डिफरेंस लोगे अर्थात अंतर लोगे कितना आगा 1.5 आगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काटा 7 बार 5 से काटा 3 बार, गेम इज ओवर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी बात समझ में आ गई होगी भाई। एलिगेशन समझ में आ गया, एलिगेशन भाई दो नंबर का जिंदा, चाहे हाई कोर्ट के भी पीछे एग्जाम हुए हैं उसमें दो दो क्वेश्चन आए इसमें से। ठीक है, बहुत एग्जाम हर में पूछता। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 देखेंगे। अब 7 अभी मैंने आपको टाइप सिखाया ना, 7 देखो भाई, एक पंसारी 60 रुपये पर किलोग्राम, एक पंसारी जो है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए जिससे कि उसको इतने रुपए के भाव से बेचे, बेचे बोले तो विक्री मूल्य, और उसको जो है इतने का लाभ हो। अब आप समझ होंगे कैसे होगा। आप बोल रहे होंगे अपने मन में, सर यहाँ एलिगेशन तो लगेगा लेकिन इन नंबरों पे नहीं लगेगा। वजह क्या है, पहले वाले का रेट आपको दिया है 60 रुपये, दूसरे वाले का रेट आपको दिया है 65 रुपये, पहले वाले का और दूसरे वाले का रेट आपको मिला के दिया है 68.2 रुपये। मेरे भैया मैंने क्या कहा, बीच का नंबर एक वाले से बड़ा और दूसरे से छोटा आना जरूर चाहिए। अब ये यहां दोनों से बड़ा आ रहा, और मैंने कहा बीच का नंबर एक से बड़ा एक से छोटा किसी से भी, चाहे इधर से या इधर से, बीच में होना चाहिए, बीच का नंबर बीच का ही होना चाहिए इन दोनों के बीच का। अब क्या करना है, बीच का है तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कैसे, अभी तरीका सिखाया। या तो वो 10% को 1/10 बोल लो, 10 से 11 हो जाएगा, 11 बराबर उसके रख दो। 10% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/10 नहीं बोल सकता भाई। अब यहाँ 10 का लाभ हुआ तो इसका मतलब 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो मैं बोलूँगा कि मेरा विक्री मूल्य 11 है, जबकि बुक का विक्री मूल्य कितना, बुक का 68.2। तो मेरे पास 1 बराबर आ गया 68.2/11, और मेरे को निकालना है 10 का मान, इसलिए मैंने गुणा किससे कर ली, 10 से, क्योंकि मुझे क्रय मूल्य निकालना है। याला पॉइंट हटाया, 0 यहाँ लगाया, इस 0 से 0 गया, इसे काटा 11 से, 11 × 66 बचा कितना 2, तो 11 × 22 62 बार गया। इसका मतलब बीच में जो है 68.2 ना आके कितना आएगा 62 आएगा, और इसका इसका डिफरेंस लेंगे आप तो 3 आएगा, इसका इसका डिफरेंस लेंगे 2। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे भाइयों, आगे की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे अब 8 देखो भैया क्या कह रहा, 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या कहता। एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोला है इसने मुझसे कि एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाता है, पहले की लागत 35 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरे की 45 है, वह मिश्रण को 41.60
प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसका बताना है लाभ और हानि क्या होगी, या तो लाभ हुई या हानि हुई। बहुत सिंपल है बात, सुनो। देखो हमारे पास दो चाय है, पहली और दूसरी, 3:2। इसका ये मतलब बनता है, मात्रा दे रखी है आपको, क्या दे रखी है आपको, मात्रा दे रखी है, मात्रा। ये आपको क्या दी हुई भाई, मात्रा। मात्रा का मतलब ये हो गया कि पहली वाली चाय 3 किलो लेनी है हमें, और दूसरी चाय हमें कितनी लेनी है, 2 किलो। पहली चाय 3 किलो लेनी है और दूसरी चाय कितनी लेनी है, 2 किलो। अब रेट सुन लो, पहली वाली का जो रेट है, मूल्य जो है, ये मूल्य दिया है मुझे, पहली वाली का जो मूल्य है वो कितना है, 35 रुपये, और दूसरी वाली का जो मूल्य है वो कितना है, दूसरी वाली का 45 रुपये। मतलब ये हुआ कि भाई आप मार्केट से अगर पहली वाली चाय खरीदोगे 3 किलो, वो 35 के भाव से मिलेगी। जब मैं 35 की इसकी गुणा करूंगा तो 105 रुपये का बिल बनेगा, नहीं बनेगा पहली वाली चाय का। दूसरी वाली चाय आपको 2 किलो खरीदनी है, वो मिलेगी 45 के भाव से, कि मतलब 1 किलो 45 की। जब आप ये मार्केट से खरीदोगे तो 2 किलो खरीदोगे, 45 × 90 रुपये का बिल बनेगा, नहीं बनेगा। और आपका कुल बिल, ये आपका कुल बिल मिलाकर जो बनेगा कितने का बनेगा, 195 रुपये का। ये आपका क्रय मूल्य आ गया, बताएं भाई आप। अब आपसे बोला है कि आपने इस मिश्रण को मिला दिया, दोनों चाय को मिला दिया, 41.6 के भाव से बेच दिया। जब आपने इसे मिलाया तो आपके पास जो चाय हो गई वो 5 किलो हो गई। अब आप इसे बेचने जाओगे तो 1 किलो बेचोगे 41.5 की। अब आपको 5 किलो बेचनी है, 5 किलो के लिए गुणा किससे करोगे, इससे करोगे, बोलो हाँ, है ना। तो यहां आप गुणा करोगे 41.6 से, जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 30 का 0 हासिल लगा, 3 5×5=5, 3×8 ये 20 हो गया, ठीक है। अब 0.1 के बाद लग रहा है, इसका मतलब आपने जो मार्केट में सामान बेचा वो 208 रुपये का बेचा, ये आपका बिक्री मूल्य आ गया। अब आप सामान लाए कितने रुपये का था, 195 का, आपने बेचा कितने का, 208 रुपये का। इसका मतलब आपको जो लाभ हुआ 5×8=13 रुपये का, 13 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन आपको लाभ बताना किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर बताना। तो आप परसेंटेज बनाना जानते हैं भाई, नहीं जानते, यहाँ सुनो, जिसकी परसेंटेज बना रहे हैं उसे लिखो ऊपर, 13 की परसेंटेज बनानी है 13 लिखो ऊपर, और जिससे बना रहा है अर्थात क्रय मूल्य से बनानी, क्रय मूल्य कहाँ का, नीचे। क्रय मूल्य कितना, 195। इसका मतलब 195 के ऊपर कितने का लाभ, 13 का लाभ। परसेंट बनाने के लिए गुणा क्या होता है, 300, और साइन लगाते हैं परसेंटेज का, बोलो हाँ, है ना। इसे 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 19 बार जाएगा, भैया बोलो हाँ, है ना। इसकी गुणा करेंगे तो 13×26 हो गया, / 19 हो गया। अभी देखो किसके बटे में लिखा, 19, ये फिर इसका मतलब कुछ और भी कट रहा होगा, नहीं यहाँ गलत कट गया, ये 5 से दोबारा काटो इसको जरा, 5 से काटेंगे तो 5×3 कितना हो गया भाई, 15 हो गया, बचा कितना, 39 बार कटेगा, ठीक है। 13×13, 13×2=26, 13×3=39, ये 3 बार कटेगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जब आप इसे 3 से काटोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका, कहाँ गलती हो गई भाई इसमें, ₹13 का लाभ हो गया 195 को, परसेंट के लिए गुणा साइन परसेंटेज। इसे काटा हमने किससे, यहाँ गलत हो रही है, दोबारा हो गया, एक मिनट जरा। ₹13 का लाभ है मेरे को किसके ऊपर, 195 के ऊपर, परसेंट बनाने के लिए गुणा कितना, 100, सही है। अब काटो आप 5 से, पहले 5 से काटा कितना हो गया, 20, और 5 से काटा कितना हो गया, 39, ठीक है। फिर 13 से काटा, 13×3=39, अब 3 से काटा तो इसे काटोगे आप 20/3, अर्थात 6/2/3, इसका आंसर बनेगा 6/2/3 लाभ। इसका मतलब आंसर आपका ए है, ठीक है, हो जाता है कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात पूरी सेट समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, आगे चलो जरा। आगे क्वेश्चन ये है मेरे पास, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले चावल को 10 किलो और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले भाव के दूसरे चावल की कुछ मात्रा, ये नहीं पता कितनी मात्रा, कुछ मात्रा तथा मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा और उसे 5% का लाभ हुआ, तो बताओ दूसरे प्रकार का चावल कितना है। सिंपल सी बात सुनो, देखो भाई, एक मेरे पास 10 रुपये किलो का चावल है, कितने रुपये किलो का चावल है, 10 रुपये किलो का चावल है, कितने रुपये किलो का है भाई, 10 रुपये किलो का। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दो, 10 रुपये किलो का चावल है, कितना किलो है, 10 किलो, तो ये मेरे पास क्रय मूल्य हो गया। फिर मेरे पास दूसरा चावल जो है वो 15 रुपये वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कितना है, ये मुझसे पूछा कि बताओ दूसरा चावल कितना है, तो मैंने बोला दूसरा चावल जो है वो कितना है भाई, P किलो माना मैंने, ठीक है। अब ये भी मेरे पास क्रय मूल्य हो गया, ठीक है भाई। अब ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य से मैंने दोनों को मिला दिया, ये मेरा कुल फाइनल क्रय मूल्य आ गया। अब बुक वाले ने आपको बोला है आपने इसको सबको मिलाया 14 के भाव से बेच दिया, जब मैंने सबको मिलाया तो 10 किलो तो पहले वाला था और P किलो बाद वाला है, तो कितना हो गया मेरे पास कुल,
10 प्लस पी हो गया। अब इसको ये मेरा क्या हो गया, किरे मूल्य है भी तो, मतलब मात्रा हो गई मात्रा। अब ये मैंने कितने के भाव से बेची भाई, 14 के भाव से, इसमें मैंने यहाँ गुणा कर दी 14 से, बेची इसका मतलब विक्री मूल्य हो गया। अब पॉइंट समझना, ये मेरा किरे मूल्य है, ये मेरा विक्री मूल्य है। दोबारा सुनो, ये मेरा 10 वाला चावल 10 किलो है, ये मेरा 15 वाला चावल पी किलो है। मेरे पास चावल की मात्रा मैंने जोड़ी तो मेरे पास चावल की मात्रा कितनी हो गई, 10 प्लस पी हो गई। इस चावल को मैंने कितने के भाव से बेचा, 14 के भाव से बेचा, बेचा तो बेचा तो हो गया क्या, विक्री मूल्य। ये खरीदा तो क्या हो गया, किरे मूल्य। अब आपको लाभ कितना हुआ, 5% का हुआ। कितने का लाभ हुआ, 5 का। इसका मतलब लाभ जो होता है, लाभ वो किसके ऊपर होता है भाई, लाभ किरे मूल्य के ऊपर होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, इसके बाद बाकी क्लास में कल कराएंगे। अब आपको 5% का लाभ हुआ है, सुनो, लाभ किरे मूल्य पर होता तो नीचे आप 100 मानो, 100 पे अगर आपको 5 का लाभ हुआ तो ऊपर कितना आएगा, 105। अगर हानि होती तो 100 नीचे बांधते, 5 की हानि ऊपर है 95। तो अब ये भी मेरा पूरा क्या हो गया, विक्री मूल्य हो गया। क्यों सर, क्योंकि किरे मूल्य में जब लाभ या हानि की एंट्री हो जाती है तो वो चीज़ क्या होती है भाई, विक्री मूल्य। तो अब दोनों हो गए बराबर, ठीक है भैया। अभी सोल्व कर लेंगे आप, मैंने काटा इसे किससे, मैंने इसे काटा 5 से, 5 से काटा तो 20 बार गया, 5 से काटा 21 बार गया, ठीक है। अब इसे काटा 7 से, 7 दूनी 14, इसे काटा 7 दिया 21, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 20 की इधर गुणा कर दो, इस 3 की इधर कर दो, कितना हो गया 100, और 100 की 3 से गुणा करिए तो 300 हो गया। गुणा भाग तो करनी आती होगी भैया, इसकी गुणा करिए तो कितना हो गया, ये 15 45, तो 45 पी हो गया, ठीक है भाई। इधर आओ, अब ये गुणा करेंगे आप तो 10 दूनी 20, और इसकी गुणा करेंगे 200। अरे बोलो भाई, 10 गुणी 20, और 20 और 20 की गुणा कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक। प्लस अब ये कितना हो गया, 20 दूनी 40, तो यहाँ हो गया 40 पी। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। उसके बाद आप इसको माइनस में लिया उधर, तो जब माइनस में आएगा तो कितना बचेगा, 5 पी। और इसको जब माइनस में आप लाओगे इधर तो कितना बचेगा, 100। कितना बचेगा भाई, 100। अब इसे आप काटोगे इसे तो पी का मान कितना आएगा, 20। इसका मतलब जो मैंने दूसरे प्रकार की चाय ली थी ना, दूसरे प्रकार की चाय, वो कितनी ली थी, 20 किलो, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाना, ये मैं आपको पूरा कराऊंगा, और आगे के जो चैप्टर होंगे वो भी आपको पूरे कराएंगे, ठीक है भैया। ये पूरा पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक के कहीं से भी क्वेश्चन लगाना, या किसी भी प्रैक्टिस सेट के लगाना, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं आएगा। और आपसे नहीं होते तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। ओके बाय।